सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट हमारे मील का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो जानते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस ब्रेकफास्ट के बारे में कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए और क्या परांठे खाने हमारी ब्रेकफास्ट में हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस आइए जानते हैं। तो नाश्ते में कौन सी 5 चीजें खाने से शरीर स्वस्थ रहता है? स्वस्थ रहने के लिए आप नाश्ते में कई चीजों का सेवन कर सकते हैं। जैसे केले के इस्तेमाल से न केवल थकान को दूर किया जाता है बल्कि एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आप नाश्ते में रोज एक केले का सेवन करें, ऐसे करने से स्टैमिना भी बढ़ता है। नींबू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ऐसे में इसके सेवन से ना केवल एनर्जी लेवल बढ़ता है बल्कि संक्रमण से लड़ने में भी मदद मिलती है। ऐसे में मॉर्निंग में नींबू को अपनी डाइट में जरूर जोड़ें। संतरे के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही इसके अंदर फॉस्फोरस और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसे में इसके सेवन से ना केवल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है बल्कि थकान को भी दूर किया जा सकता है। पपीते के सेवन से भी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। पपीते में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। सेब के अंदर फाइबर, नेचुरल शुगर और कार्सिनो मौजूद होते हैं, ऐसे में इसके सेवन से एनर्जी का स्तर सही रहता है। तो आप नाश्ते में नियमित रूप से एक सेब का सेवन जरूर करें। सुबह के लिए सबसे अच्छा नाश्ता कौन सा होता है? दलिया एक हल्का और स्वस्थ पकवान है जो इसे सबसे बेहतर नाश्ता बनाता है। इसे किसी भी अनाज के साथ मिलाकर या अकेले बनाया जा सकता है। दलिया या खिचड़ी या खीर आमतौर पर घर पर बनाई जाती है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत तो है ही और पाचन शक्ति को भी ठीक रखने में मदद करता है। इसके साथ ही मूंग दाल को सभी हेल्दी दालों में से एक माना जाता है। यह डायबिटीज होने से बचाता है। मूंग दाल के आटे से चीला बनाया जाता है। यह कम फैट, हेल्दी और पौष्टिक नाश्ते के लिए आसान और बेहतर विकल्पों में से एक है। इडली, इडली उबले हुए चावलों से बनाई जाती है और सांभर और बहुत सारी हेल्दी सब्जियों को उबालकर बनाया जाता है। इस नाश्ते को और पौष्टिक और हेल्दी बनाने के लिए आप चावल की जगह ओट्स या सूजी का उपयोग कर सकते हैं। सूजी से बनाया जाने वाला यह नाश्ता हर किसी को बहुत पसंद आता है। इसे ज्यादा स्वादिष्ट और स्वस्थ बनाने के लिए इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं। ढोकला बेसन चना के आटे के साथ ढोकला बनाया जाता है। यह फाइबर, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलेट, विटामिन B6 और थायमिन जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। फ्रेंड्स, नाश्ते में पराठे खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जान लेते हैं। पराठा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला नाश्ता है। बहुत लोग यह मानते हैं कि यह एक अस्वस्थ भोजन है क्योंकि यह तेल या घी में तलकर बनाया जाता है, परंतु दिन की शुरुआत करने के लिए यह एक सही विकल्प है। अपने नाश्ते के लिए पराठा बनाने के लिए बस उसमें सब्जियों या दालों का उपयोग करें और अपने दिन के लिए अधिकांश पोषण का कोटा एक साथ आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में ऐसे फूड का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन फाइबर के साथ एनर्जी देने वाला हो। नाश्ते में पराठे खाए जा सकते हैं बशर्ते कि उसमें बहुत सारी दाल और सब्जी पड़ी हो और उन्हें तवे पर तला ना जाए बल्कि स्टफ रोटी की तरह बनाकर उसे प्लेट में डालकर उस पर देसी घी लगाकर खाया जाए। सुबह के नाश्ते करने का सही समय क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोग जो सुबह का नाश्ता संतुलित और तय समय अनुसार करते हैं उनमें हार्ट अटैक आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं? और अगर आपकी डाइट दिन की शुरुआत में सही हो तो आपको दिल संबंधी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है, साथ ही मधुमेह, मोटापा होने की संभावना भी कम होती है। सबसे पहले आपको अपने नाश्ते के समय का खास ध्यान रखना चाहिए और सुबह 8 से 10 के बीच में आपको नियमित तौर पर नाश्ता कर लेना चाहिए। सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर नाश्ता लेना चाहिए, इसलिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपको 2 घंटे के अंदर यानी 7 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप खाली पेट नहीं रहेंगे और अपने आप को ऊर्जा से भरपूर फील करेंगे। आपका छोटी छोटी बातों पर मूड भी खराब नहीं होगा क्योंकि एनर्जी के कारण जो चिड़चिड़ापन कम महसूस होता है। खाली पेट रहने से आपका पाचन सिस्टम प्रभावित होता है, ऐसा करने पर आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। अगर सुबह खाली पेट नाश्ते में क्या
पीना सही है। सुबह सुबह गर्म पानी में एक चम्मच शहद लेने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद मिलती है। यह आपकी पाचन क्रिया को ठीक करता है और एसिडिटी की समस्या नहीं होने देता। खाली पेट अगर आप दूध पीते हैं तो इससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। इसलिए सुबह नाश्ते में आपको एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। अगर आप दूध को गर्म करके पियेंगे तो सर्दी या कफ की समस्या भी दूर रहेगी। सुबह खाली पेट अगर आपको एक गिलास सादा पानी पीने की आदत है तो यह शरीर को डिटॉक्स करने में काफी मदद करता है। इससे वजन कम करने में भी फायदा मिलता है। खाली पेट अगर आप आंवले का रस पियेंगे तो यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन सी और कई तरह के खनिज लवण होते हैं जो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। खाली पेट एलोवेरा का रस पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसमें कई तरह के प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और शरीर में किसी भी तरह की सूजन को कम करते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि सुबह के नाश्ते में क्या खाना खतरनाक हो सकता है। सुबह के समय मसालेदार नाश्ता करने से बचें। ऐसे करने से पेट में एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। खट्टे फल सुबह खाली पेट ना खाएं। अगर खाने का मन हो तो इससे पहले कुछ खा लें। ऐसा ना करने से एसिडिटी हो सकती है। सुबह जरूरत से ज्यादा अधिक फाइबर युक्त चीजों को खाने से बचें। ऐसे करने से आपको पेट में दर्द और मरोड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी स्वस्थ रहने के लिए सुबह के नाश्ते में क्या खाएं क्या ना खाएं। आई होप आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।